लखनऊ वालों ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की तरफ जम कर चप्पल फेंकी। ये आई चप्पल, उधर से फिर आई चप्पल। इतनी ज्यादा चप्पल उनकी स्टेज की तरफ फेंकी गई कि स्टेज के आगे ढेर सारी चप्पल इकट्ठा हो गई। देखिए इन चप्पलों को, पहली चप्पल, दूसरी चप्पल, तीसरी चप्पल, चौथी चप्पल, पांचवी चप्पल, छठवीं चप्पल, सातवीं चप्पल, आठवीं चप्पल। ये तो नहीं पता कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पर लखनऊ की जनता क्यों भड़की, पर ये दोनों हीरो अपनी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का प्रमोशन कर रहे थे। स्टेज पर खड़े थे, स्टंट कर रहे थे, कोई हवा में छलांग लगा रहा था तो टाइगर श्रॉफ ऊंचे खंभों से नीचे हवा में उतरे। भीड़ की हालात ये हो गई कि अक्षय कुमार को हाथ जोड़कर लोगों से कहना पड़ा, भैया शांत हो जाओ, शांति बनाए रखो। आखिरकार आज लखनऊ वालों ने अपनी तहजीब खो दी। जिस शहर को हम तहजीब का शहर बोलते हैं, वहां के लोगों ने अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की तरफ चप्पल फेंकी। वक्त था सोमवार शाम 4 बजे का। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए लखनऊ के घंटाघर पहुंचे थे। टाइगर श्रॉफ और अक्षय कुमार को देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। वो तो बाउंसर वहां थे, नहीं तो पक्का चप्पल स्टेज तक पहुंच जाती, जो कि स्टेज के सामने गिर गई। हालांकि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ को बचाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस समेत उनकी सुरक्षा में लगे हुए सभी लोगों ने उन्हें घेर लिया और स्टेज के पीछे ले गए। यही नहीं, बेकाबू भीड़ में से कुछ लोगों ने हेलमेट तक स्टेज पर फेंका, जिससे लोग घायल होने से बाल बाल बचे। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।